सो बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लें या फिर प्रीमियम हैचबैक लें, तो क्योंकि उनका जो प्राइस डिफरेंस आजकल कुछ ज़्यादा नहीं रह चुका, जैसे कि आप नई i20 का देख लो, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 13 लाख रुपये तक जाता है, तो आजकल ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं चुका है, तो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हम एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लें या फिर हम प्रीमियम हैचबैक लें। सो आज मैं इस वीडियो में आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊँ कि अगर आपकी यूजेज या फिर आपकी डिमांडें हैं तो आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी चाहिए। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा, और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको एक प्रीमियम हैचबैक क्यों लेनी चाहिए, मतलब कि आपकी क्या नीडें होनी चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत या फिर आपको क्या यूजेज होनी चाहिए जो आप एक प्रीमियम हैचबैक की तरफ जाओ। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी क्यों चाहिए। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊँ कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी आप लोगों को क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि सबको बताया, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आपके वहाँ के रास्ते ख़राब हैं या फिर आपको मतलब ऐसी यूजेज आपको यहाँ कहीं जाना पड़ता है जहाँ जो सड़कें वो ख़राब हैं या फिर उबड़ खाबड़ रहता है, तो आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट था ये। तो सेकंड पॉइंट बनता है वो है हमारा कि मतलब कुछ लोगों को होता है कि हमें एक कमांडिंग पोजीशन चाहिए होती है, मतलब कि हमें बोनेट दिखना चाहिए, तो भाई आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि आपको उसी में कमांडिंग पोजीशन मिलेगी। अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेंगे तो उसमें हम बहुत लो बैठते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत स्पोर्टी फील आ सके, क्योंकि आपने देखा होगा i20 बलिनो या फिर कुछ भी आप कोई प्रीमियम हैचबैक ले लीजिए या फिर हैचबैक ले लीजिए, उनमें आप थोड़े से लो बैठते हैं अगर आप कंपेयर करें एक एसयूवी से। ठीक है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का इतना इशू नहीं होता है, बट जो आप लो बैठते हो उनको सीट का जो एंगल होता है वो ऐसे होता है ताकि आप रिक्लाइन बैठो, अच्छी तरीके से बैठो। ठीक है, तो अब हमारा जो मतलब थर्ड पॉइंट आता है, वो जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा कि मतलब अगर आपको आप ट्रैवल बहुत करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए पॉइंट मायने रख सकता है बट कुछ लोगों के लिए नहीं। ठीक है, समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को। देखो, अगर आप ट्रैवल करते हो पूरी फैमिली के साथ, तो ऑब्वियसली बात है पूरी फैमिली के साथ सफर मतलब ट्रैवल करोगे तो आपके लिए आप में बूट स्पेस भी, आपके बूट में स्पेस भी होगा, मतलब आपके बूट में सामान भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी और पूरी फैमिली होगी। तो मतलब पूरी फैमिली को मैं मान के चल रहा हूँ 5 बंदे और 5 ही बैग हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेते हैं तो भाई उसकी ग्राउंड क्लियरेंस पहले से कम है। अगर उसमें मतलब फैमिली बिठाएंगे तो उसकी और ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी। अगर आप उसमें बूट में सामान रखते हैं तो और ज़्यादा उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर आप लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो आपको एक प्रीमियम हैचबैक को मतलब तंग कर देगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, ग्राउंड क्लियरेंस से बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलेंगे। बट अगर आप एक प्रीमियम सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हैं तो आपको उसमें पहले से ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगी। अगर आप उसमें 5 बंदे बिठा भी लेते हैं और बूट में भी सामान डाल देते हैं तो भी उसकी इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होगी जितनी एक प्रीमियम हैचबैक की हो जाएगी। सो अब जो हमारा लास्ट और फोर्थ पॉइंट आता है वो है मेरे जैसों के लिए कि सोचना ना पड़े हमें कि हमें गाड़ी कहाँ उतारनी। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जाम लगा हुआ है, अगर साइड में रास्ता है बट रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, आप निकल सकते हो वहाँ से, बट आप अगर आप प्रीमियम हैचबैक ले रहे हो तो आप 10 बार सोचोगे वहाँ जाने से पहले। बट अगर एक जैसे कि फॉर्च्यूनर वाला या फिर एक स्कॉर्पियो वाला ओनर होगा, एक एसयूवी वाला ओनर होगा, तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा, वो अपनी गाड़ी को नीचे उतार देगा और आराम से वो निकल जाएगा। सो अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि आप कहीं स्टक ना होकर खड़े हो जाओ तो भाई आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो जो होती हैं आपको मतलब एक फ्री माइंड करके देती है कि हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम गाड़ी को नीचे उतार सकते हैं। या फिर कहीं कहीं क्या होता है, गाँव में बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे ब्रेकर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के नीचे स्क्रैच कर देते हैं। बट अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हो तो आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना चाहिए। सो गाइस बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।